Hey guys, back to the bearded chokra. I hope जो मैंने last week videos डाले वो पसंद आए होंगे videos. One was a vlog and the other one was very special. It was of Victorinox. आप प्लीज जाइए दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ आप जाके उन्हें देखिए विद that सेड आज का जो वीडियो है इज अबाउट कंडीशनर्स मैंने एक पोल रखा था यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे एंड मैंने पूछा आपको कौन से अगले वीडियोस देखने हैं कौन से टॉपिक के ऊपर एंड बहुत ज्यादा लोगों ने हेयर चुना आप लोग बोलो और मैं उस चीज पे वीडियो ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता सबसे पहले ये जो वीडियो है पूरा होगा थ्री पार्ट्स के अंदर नंबर वन व्हाट इज अ कंडीशनर नंबर टू हाउ डज द कंडीशनर फंक्शन एंड नंबर थ्री शुड यू यूज इट येस और नो ठीक है तो सबसे पहले व्हाट इज अ कंडीशनर अब कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक हेयर क्लेंजिंग प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है एंड हेयर मेंटेनेंस प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है ये सो so, कंडीशनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है बट एट द सेम टाइम हेयर कंडीशनिंग हेयर स्मूदनिंग हेयर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है सो कंडीशनर यूज करने का बेसिक रीजन यही होता है कि आपके बालों में से फ्रिज निकालना आपके बालों को स्मूद शाइनी थिक दिखाना एंड विथ ऑल ऑफ दैट आपके बालों में से स्टैटिक कम करना ताकि वो जो टैंगल्स हैं वो कम हो और आपका जो कोमिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो तो so ये बेसिकली एक कंडीशनर होता है और ये उसका बेसिक फंक्शन होता है अब हाउ डज इट फंक्शन दो फंडामेंटल तरीके हैं ऑन हाउ कंडीशनर वुड फंक्शन नंबर वन इज़ विथ पी एच बैलेंसिंग तो आपको पी एच बैलेंस वाले कंडीशनर्स भी मार्केट के अंदर मिल जाएंगे एंड वॉट डीज कंडीशनर्स डू बेसिकली इज़ उनका जो फॉर्मुलेशन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है आपका जो बाल होता है द हेयर शाफ्ट उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल वो स्केल्स की तरह होता है तो वो जो स्केल्स होते हैं वो जब आप शैम्पू करते हैं तो वो खुल जाते हैं या बाल धोते तो वो खुल जाते हैं एंड जब वो स्केल्स खुले हुए होते हैं तभी वो फ्रिजी दिखते हैं और बहुत ही अनहेल्दी दिखते हैं बट जब वो स्केल्स बंद हो जाते हैं तब वो स्मूद शाइनी और नॉर्मल हेल्दी लुकिंग बाल दिखते हैं तो इन स्केल्स को बंद कैसे करते हैं जब आपकी पी एच फॉर्मुलेशन की सही हो तब वो स्केल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं एसिडिक फार्मलेन एसिडिक पी एच के अंदर वो जो स्केल्स है वो बंद हो जाते हैं सो कंडीशनर्स कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल सेकेंड जो फंडामेंटल है, so, है वो है कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स का अब जो कंडीशनर होता है उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसके अंदर भी थोड़े डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट्स डाले जाते हैं बट ये एक अलग क्लास के सर्फेक्टेंट्स होते हैं शैम्पू के अंदर एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसीलिए वो आपके जो बाल हैं उनमें से डर्ट ऑयल वो सारी चीज़ें निकाल पाते हैं बट इन द केस ऑफ अ कंडीशनर उसके अंदर कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स डाले जाते हैं कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स अब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स आपके बालों के ऊपर अटैच होते हैं क्यों क्योंकि आपका जो बाल है वो है नेगेटिवली चार्ज अब जब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज को बाइंड करेगा तो ये जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है ये स्ट्रांग बाइंडिंग की वजह से वो जो फॉर्मलेसन है आपकी पूरी अब उस कंडीशनर के अंदर मिनरल ऑयल हो सकता है अलग अलग टाइप के ऑयल्स हो सकते हैं उसके अंदर सिलिकॉन्स हो सकते हैं बहुत सारे कंडीशनिंग एजेंट्स उसके अंदर डाले जाते हैं एंड नाउ द थिंग इज जब वो कंडीशनर आपके बालों से बाइंड हो चुका है this is when those oils mineral oils silicones all these things get attached to this now this is when the moisture is trapped within the hair shaft and the cuticles are closed ये होता है basic conditioner का function. अब ये जो दो वेज मैंने आपको बताए ये दोनों बेसिक वेज होती हैं यूजुअली आपको सेकंड टाइप का जो है कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स बेस्ड वो आपको ज्यादातर देखने मिल जाएगा अब आते हैं लास्ट पॉइंट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नाउ द थिंग इज कंडीशनर्स आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लुक देते हैं शाइन देते हैं स्मूथनेस देते हैं फ्रिज फ्री लुक देते हैं टैंगल फ्री लुक देते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक हेल्दी फीलिंग देते हैं आपके बालों को बट यहाँ पे मेन चीज़ है नॉट ऑल दीज एक्जिटिव जो मैंने आपको बताए यहाँ पे द मेन थिंग इज फील देते हैं लुक देते हैं दे ओनली मेक योर हेयर लुक लाइक दे आर हेल्दी आपके बाल एक्चुअल में हेल्दी नहीं है आपके स्कैल्प जो है वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं है यू आर ट्राइंग टू कवर इट अप इट इज़ जस्ट लाइक मेकअप फॉर योर हेयर कंडीशनर इज नथिंग बट मेकअप फॉर योर हेयर इट मेक यू लुक अ विलेक वे इट मेक योर हेयर लुक अ वे बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट वे बट ये सारी चीजें खराब नहीं है दैर इज वन गुड पॉइंट कंडीशनर जो होता है वो आपके हेयर को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द इनवायरमेंट अगेंस्ट द पोल्यूशन अगेंस्ट द डर्ट अगेंस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर द हर्श सन इवन ऑल दो आपको प्रोटेक्शन मिलती है वेन यू यूज अ ऊपर सो अब जो आंसर है क्या आपको कंडीशनर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए द आंसर इज प्र बेसिक अब अगर आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर रहते हैं एक्चुअली एक्सपोज है एनवायरमेंट के काफी घंटे दिन के आप एक्सपोज रहते हैं एनवायरमेंट से और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं बहुत ज्यादा फ्रिजी है डेड लगते हैं आपके बाल या फिर अगर आपको बहुत ही एक क्विक सोल्यूशन चाहिए कल आपको कहीं पे जाना है यू नीड योर हेयर टू लुक गुड या शाम को आपको कहीं पे जाना है यू नीड योर हेयर टू लुक गुड यू डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दी अदर थिंग्स देन येस यू कैन यूज अ कंडीशनर एंड यू नीड टू यूज द कंडीशनर द राइट वे मेक श्योर करिए कि आप अच्छी क्वालिटी का कंडीशनर ले मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट एक पीएच बैलेंस्ड कंडीशनर अगर आपको मिल सकता है तो वो यूज करिए एंड मेक श्योर कि वो कंडीशनर के अंदर कम से कम केमिकल्स हों और ज्यादा से ज्यादा ऑयल्स हों जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रेटिव हों आपके हेयर के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो इंडोर्स ही रहते हैं हार्डली फ्यू मिनट्स या वन और टू आवर्स के लिए बाहर रहते हैं एक्सपोज रहते हैं एंड अगर आपको नॉर्मल या ऑयली स्कैल्प है आपके बाल इतने ज्यादा भी फ्रिजी नहीं दिखते देन यू डू नॉट नीड टू यूज अ कंडीशनर एज सच बिकॉज ऑल यू विल भी डूइंग इज जस्ट पुटिंग मोर केमिकल्स ऑन योर स्कैल्प ऑन योर हेयर एंड एक्चुअली स्पीकिंग ये इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है फॉर सम वन हु इज़ ऑल द टाइम इनडोर्स एंड नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट अब मैं अगर आपको मेरी पर्सनल चीज बताऊँ आई डू नॉट यूज़ अ कंडिश्नर और मैंने पिछले दो या तीन साल से कंडिश्नर यूज़ नहीं किया है एंड लेट मी टेल यू देर आर ऑल्टरनेटिवस जो आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ केमिकल बेस्ड कंडिश्नर अगर आपको सिल्की स्मूथ हेयर चाहिए यू गाइज माइट बी एबल टू सी राइट नाउ माई हेयर इज़ नॉट एट ऑल फ्रिजी एंड इट इज़ नॉट एट ऑल ड्राई एंड रफ इट इज़ वेरी डिसेंट एंड नॉर्मल एंड हेल्दी लुकिंग एंड आई डू नॉट यूज अ कंडीशनर अब वो क्या टेक्निक्स हैं वो मैं क्या यूज़ करता हूँ क्या नहीं यूज करता वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में आएंगी उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सी गाइज इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब आप इस चैनल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस कर जाएंगे एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन राइट वेन आई लॉन्च इट तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सी अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे लिए वीडियोस बनाते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है मेक श्योर sure कि आप मेरे हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़े बिकॉज बहुत सारी अलग अलग जानकारी और आपको बहुत एक्स्ट्रा जानकारी वहां पे देखने मिल जाएंगी या फिर अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज है तो आपको परचेस लिंक्स स्पेशल ऑफर स्पेशल डिस्काउंट कोड्स बहुत सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर होती है तो ऑलवेज मेरे वीडियोज का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें सो so गाइज आज के लिए बस इतना ही जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप यू बी अर्ड ऑसि नेक्स्ट वन बाय बाय देन यू देन यू डू नॉट अबे